चलता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। नमस्कार, मैं हूं वर्षा वर्मा, आप देख रहे हैं डीबी भारती समाचार। सबसे पहले लेकर चलते हैं आपको खास प्रोग्राम में, चुनाव से पहले चुनाव की बात। एक बार फिर हम दिखाएंगे जनपद फिरोजाबाद की विधानसभा जसराना के गांव टीकामई की दास्तान। वहां की जनता वर्तमान सरकार की कार्यशैली से कितनी खुश और कितनी नाखुश है, आइए सुनाते हैं जनता की आवाज। देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम चुनाव से पहले चुनाव की बात। जी हाँ, डीबी भारती की टीम पहुंच चुकी है जसराना विधानसभा के गांव टीकामई में, और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में गांव की जनता आखिर क्या सोचती है। यहां तक योगी सरकार का कहना है कि 5 साल के कार्यकाल में तमाम विकास कार्य किए गए हैं, अब ये हम जनता से जानेंगे कि आखिर वो धरातल पर विकास कार्य कितने उतरे। बाबूजी, आपका नाम क्या है और इस समय आपको 5 सालों के अंदर क्या बदलाव दिखा? हमें तो कुछ नहीं, हमारे गांव में कोई बदलाव नहीं हुआ है जी, और हमारे गांव को कोई कार्य हुआ नहीं, प्रधान ने किया नहीं, नेता ने किसी ने किया और नहीं आम जनता ने। हम तो अखिलेश को ही चाहते, अखिलेश को ही देंगे वोट, बराबर ही अखिलेश को दिए। पूरा हमारा गांव संजोग गांव का टीकामई का जो है सो अपना अखिलेश को ही चाहते। अगर जैसे प्रत्याशी की बात की जाए, अगर कोई यादव ही प्रत्याशी किसी अन्य पार्टी से आता है तो आप ऐसे में क्या करेंगे? यहाँ जात बरादरी ज़्यादातर हावी रहती है। हाँ, तो हमारे यहाँ तो साइकिल का ही ज़्यादा माहौल है जी। हाँ, जो कोई आए जो साइकिल से आएगा उसी को वोट अखिलेश के ही बारे में दिया जाएगा। अच्छा दादा, आप कितनी बार वोट कर चुके हैं अभी तक? हमें है गई 60 साल की उम्र है हमारी, हम कर चुके कम से कम 12-15-60 तो 40 में 10-12 साल तो कर ही चुके। तो पहले की सरकारों में और अब की सरकारों में आपको क्या अंतर देखने को मिला? हमें सुबह तक कन्नम सरकार जितनी आई, सुबह तक खराब सरकार बीजेपी सरकार आई है हमारे आज। ऐसा क्यों? ऐसा कि जहाँ सरकार ने देश की भूखमरी मार डाले, लोगों को मार डाला, कछु महंगाई इतनी तेज कर दी है, कोई चीज विकास बच्चा और साण देखो सिर्फ खेती चुन ली, कुछ छोड़ो ही ना है सरकार ने, जय सरकार की जय योजना ने, जो साण बिके बिक जाते बछरा तो जो कागज पोजिशन होती सरकार की रोक थी जो 70 क्षेत्र में रहो। बाबूजी, आप इनकी बातों से कितना सहमत है? इनकी बातों से पूर्ण सहमत है, क्योंकि हमारे यहाँ जसराना से विधानसभा से पप्पू लोधी थे, आज इतना समय हो गया कहीं यहाँ से गुजरते हुए बनवारा से निकले होंगे, गांव अंदर घुस के कोई भी व्यक्ति ने गाँव नहीं देखा, ना ही कोई रास्ता पे, ना ही चर्चा ये खाद में लाइन लगे हैं अभी, और किसी भी समस्या को रखा है कि हेडपम्प के बारे में मैंने कहा था ब्लॉक अधिकारी से कह दो, और डीएम ने मुझे स्वीकृति दी तो अरे कह दूंगा भाई साहब कह दूंगा, मैं ही को रास्ता पर मिला उनके माँ पे जाकर के कोल्ड पे, आज की डेट 5 साल है लगभग होने आई, आज तक किसी से आश्वासन नहीं दिया, न बोले नहीं बात की उन्होंने, और शब्द और कहने लगे कि अहिर साले क्या मतलब, अब शब्दों में कहने लगे तो सुनाई तो फिर हम लोग गए नहीं, हम सपा में ही साइकिल के ही हैं, और चाहे कोई आ जाए किसी जात का है फिर भी हम समाजवादी पर टिके रहेंगे। अच्छा, जहाँ तक अपराधों की बात की जाए तो पहले की सरकारों में और इस सरकार में अपराध कम देखने को मिला है, आप कितना सहमत है? नहीं सहमत नहीं, बिल्कुल अपराध उतना ही मिल रहा है, अपराध मिल रहा है, मैं अपराध उतना ही मिल रहा है, पुलिस प्रशासन पैदा कर रहा है जहाँ रोक रहा है, पहले नेता नगरी होने लगती थी। विधानसभा में किसी विधायक को अनुमति नहीं दी गई कि किसी चाहे वो अपनी पार्टी का हो चाहे किसी पार्टी को, उसको सांत्वना मिले किसी विधायक को। अच्छा, यहाँ जो किताब छपी है 4.5 साल की, उसमें काफ़ी विकास कार्यों को दर्शाया गया है। वो तो 10 आदमी खड़े करके आप विकास कार्य दिखा सकते हैं, हमारी नाली पड़ी है, हम कई बार प्रधान से अनुरोध किया, ब्लॉक प्रमुख से अनुरोध किया, सरकारों का असर आता है, वो अपने वह कोई रोक टोक नहीं है जी। अभी इसमें अमोल थे जी। इसी में थे भाई बीएपी में, तो मैं खुद बुलाया उन्होंने कि चाचा आप आएँ राम प्रकाश नाम से, और मैं गया तो 200 मीटर मेरे मकान वहाँ तक दी रास्ता, और खड़क चंद्र भले 2 आदमी पहुँचे, उन्होंने खड़क सीधे भी आपके अपने खेतों में रास्ता बन गई कागज में जो आउट ऑफ मोजा, यहाँ ग्राम समाज की मैंने को वो है नहीं, उन्होंने नहीं करवाई, तो हम जो ब्लॉक प्रमुख जो है अभी एक ऐसे ही कराए गए परमित्र मिले, हमने बीटीसी को वोट दे दिया था उनको। अच्छा, अभी जो बीजेपी की सरकार थे
महीने में दो बार राशन दिया जा रहा है, इसका चुनाव पर कोई असर कोई असर नहीं पड़ेगा? यूँ नहीं पड़ेगा कि गरीब भुखमरी जनता है वो हो सकता है उस मोमडम से कहीं पर जाए गरीब व्यक्ति पर, वैसे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप एक युवा हैं, आपका वोट बन गया? वोट बना हुआ है। पहली बार चुनाव में मतदान करेंगे या दूसरी बार? दूसरी बार। इसमें विधानसभा में पहली बार करेंगे। अच्छा, पहले की सरकारों में और अब की सरकारों में क्या अंतर है युवाओं के लिए? सरकार में क्या कोई योजनाएं हैं? हमारे लिए तो सारा घाटा ही घाटा था बीजेपी में जी। सपा सरकार में भर्तियां पार आती हैं, हमें खेतों में नहीं जाना पड़ता है सांड मारने के लिए। अभी हम जाएं तो हमारे खेत में अभी चार गाय लगी हुई हैं, फिर भी मैं यहाँ आया हूँ। बीजेपी सरकार में बस इतना ही घाटा है, बस अपना अपना चलाते रहो, उनकी नेता नगरी चलती है, हमारा कुछ नहीं, कोई नहीं सुनता है। तो आप क्या चाहते हैं इससे वर्तमान समय में, विधायक बदलना चाहते हैं या वही? बिल्कुल बदलना चाहते हैं, सपा का विधायक आना चाहिए हमारे यहाँ, सरकार अखिलेश की बननी चाहिए। अच्छा बाबूजी, आप महंगाई को लेकर कुछ चर्चा कर रहे थे, तो आपका फोकस किस किस वस्तुओं पर है? हमारे यहाँ डीजल का पेट्रोल बढ़ाई दी और किसान की बिजली का बिल भी बढ़ा दिया।